जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सावन का महीना 4 जुलाई से होने वाला है शुरू और हम सभी लगे हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के क्रम में कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग रखते हैं। तो घर में शिवलिंग रखने के कुछ खास नियम होते हैं, जान लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार यदि नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है तो भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। घर में शिवलिंग रखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। कहा गया है कि अगर नियमित रूप से और विधिवत शिवलिंग की पूजा की जाए तो भगवान शिव बहुत जल्द अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, साथ ही अपने भक्तों की मनचाही मुराद भी पूरी करते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कुछ लोग घर में शिवलिंग रखते हैं, लेकिन घर में शिवलिंग रखने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनके बारे में अक्सर लोग अनभिज्ञ रहते हैं। माना जाता है कि अगर शिवलिंग से संबंधित कुछ नियमों का ध्यान न रखा जाए तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। मान्यता है कि घर में शिवलिंग रखने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करवाना अनिवार्य नहीं है, हालांकि नियमित रूप से उसकी पूजा और अभिषेक करते रहना चाहिए। माना जाता है कि घर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। दरअसल इसके आकार के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यह अंगूठे के ऊपर वाले पोर से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव पुराण में इस बात का जिक्र है कि घर में एक से अधिक शिवलिंग भी नहीं होने चाहिए। ऐसे में अगर आपके घर में एक से ज्यादा शिवलिंग है तो उसे तुरंत हटा दें, किसी पंडित जी से सलाह लेकर किसी मंदिर में पहुंचा दें। कहा जाता है कि शिवलिंग की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी शुद्ध पात्र में जल भरकर उसमें शिवलिंग को रखकर नियमित रूप से अभिषेक किया जाना चाहिए। कर्मकांड के जानकारों का कहना है कि अगर घर में किसी धातु का शिवलिंग है तो यह सिर्फ सोने चांदी या तांबे का ही बना होना चाहिए। साथ ही उस शिवलिंग में धातु का एक नाग भी लपेटे रहना चाहिए। नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ शिवलिंग बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा घर में पारद शिवलिंग रखना भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा जाता है उसके आसपास भगवान शिव के परिवार का एक फोटो जरूर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग को कभी भी अकेले नहीं रखना चाहिए। घर में शिवलिंग हो या शिवजी की कोई भी तस्वीर, भक्तों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिवजी पर तुलसी, केतकी के फूल, सिंदूर और हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थान पर ही रखा जाता है, साथ ही उस स्थान को खुला रखना चाहिए जहां पर शिवलिंग को रखा गया है तो ज्यादा अच्छा रहता है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल पर सेट रखें। वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।